अगले कॉलर हैं देहरादून से कावेरी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार हकीम साहब। कावेरी जी आपका स्वागत है। थैंक यू जी, हमारा प्रोग्राम धन्य हो गया आप फोन कर देते तो। अरे नहीं ऐसा नहीं है सर, आप ऐसा सोचते हैं, ये आपकी ग्रेटनेस है। धन्यवाद। ये आपकी ग्रेटनेस है और शैलजा जी की ग्रेटनेस है कि आप अच्छा समझते हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है जब कॉल लगती है, कई बार लगाते रहो तो नहीं लगती है। और मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी, उस दिन मैंने वापसी के बीज के बारे में पूछा था, तो इसमें मुझे एक या दो बीज रोज खाने होते हैं या कभी कभी, जैसे ऑल्टरनेट डेज कैसे खाने होते हैं, एक तो क्वेश्चन ये है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बड़ी इलायची, कई बार आप नुस्खों में बताते हैं, तो बड़ी इलायची का क्या रोल रहता है, किस तरह से फायदा मिलती है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि क्या काला पीलिया भी होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे सुन के, पहली बार सुना काला पीलिया भी होता है आपके शो में। एंड चौथा क्वेश्चन ये है कि दो बच्चे हैं, किसी ने पूछा है, मेरी कॉलोनी में एक लेडी है, उनके 8 और 10 साल के दो बच्चे हैं, तो एक को तो उसमें से यूरिन आता है, रात में आ जाता है, तो मैंने बताया था कि जैसा आपने बताया था 2 अखरोट और 10 किशमिश उनको दिया करें रोज रात को, तो क्या ये सही बताया। और दूसरी उनकी प्रॉब्लम ये है कि दोनों बच्चे बहुत ही वेट में ज्यादा है और वो काफी खिलाती भी है, उनको भगाती भी है और फास्ट फूड को भी अवॉइड करती है, बट उनके लिए वेट कम करने के लिए कुछ हो सकता है, ये बच्चे हैं दोनों का बहुत वेट है, काफी मोटे हैं, मुझे वेट का तो नहीं पता। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि मैं जानना चाहूंगी, अगर आप बताएं तो शैलजा मैम और आपका बर्थडे कब आते हैं। शैलजा का तो शैलजा बताएंगी, लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन ये नाचीज भी पैदा हुआ था। अब ये शायद जब झांसी की रानी पैदा हुई होगी, जब हो सकता है इनका बर्थडे हो, मजाक कर रहा हूँ। 19 मई हकीम साहब, 19 मई को बता रही है ये, पता नहीं झांसी की रानी कितने तारीख को पैदा हुई थी, ये तो मजाक हुआ। खैर आप हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं, और वो जो बाप जी के बीज दो आप खा सकते हैं, रोज़ाना खा सकते हैं, अल्टरनेट नहीं। और क्या सवाल है? बड़ी इलायची के फायदे। हाँ बड़ी इलायची, देखिए फायदे और बड़ी इलायची के वो भी, अगर मैं किसी एक दवा, मुझे भगवान ने इतना 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 रहम किया है कि इतनी मालूमात दी है कि अगर आप ये कहें कि पूरे शो में बड़ी इलायची पे बोलता रहूं, तो मैं 1 से ज़्यादा घंटे उसके बारे में बात कर सकता हूं। तो हम अक्सर नुस्खों में बताते हैं तो उसके वो फ़ायदे आप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बड़ी इलायची खानी चाहिए। एक मैं आपको इसका नुस्खा बताता हूं। मैं कहीं गया और वहाँ बहुत परेशान वो परिवार, एक बच्चे को हिचकी लग गई और वो जाती नहीं थी, हफ्तों हो गए थे, और एक मेरा माविन यानी हमारे साथ जो बच्चे काम करते हैं उसको 6 महीने से हिचकी आ रही थी। तो मैंने इनको कहा कि एक बड़ी इलायची खा लो और 1 ग्राम गौंद मोरिंगा इसके साथ पानी में डाल के पी लो। वो बच्चा कह रहा था 6 महीने हो गए मुझे हिचकी, और वो सो नहीं पाता था और उसको आदत पड़ गई थी, मुझे भी एक बार हिचकियाँ लगी थी ऐसी, जाती नहीं थी तो इससे गई थी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैदे में, लीवर में, हाथों में गर्मी की वजह से हमें हिचकी आती है, खुश्की की वजह से, तो ये खुश्की को फौरन ही दूर कर देते हैं। नुस्खों को साथ लेना बहुत अच्छा है, किसी को कभी हिचकी आती है रुकती नहीं है, 1 ग्राम गौंद मोरिंगा और 1 बड़ी इलायची खिला दें, बस काफ़ी है। ये और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, काले पीलिया में भी देते हैं, काली इलायची से कहते हैं, तो उसका तरीका वही है, 1 इलायची खिला दें और आधा
आधा ग्राम यानी दो चुटकी, एक चुटकी पूरे दिन में नमक जैतून दें, तो ये काली इलायची इसके लिए भी इस्तेमाल होती है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, जो भी आप जिस फायदे के लिए पूछते हैं ना वो बताना शायद बेहतर, नहीं तो बहुत सारे व्यूवर्स शिकायत करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, आपकी पूरी बात का जवाब नहीं दे पा रहा। और क्या सवाल? काला पीलिया क्या होता है? हाँ देखिए, बहुत सारे पीलिए होते हैं। आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो आपको काला, पीला, नीला सब के सवाल आएंगे और उसके जवाब आपको मिलते रहेंगे। काला पीलिया भी होता है, सफ़ेद पीलिया भी होता है, जॉन्डिस, वैसे लोग पीले पीलिए को जानते हैं, तो इनके भी नुस्खे हैं। और लीवर की बीमारियों में से एक है, और जो बीमारियाँ कभी नहीं होती थी अब वो सब शुरू होती जा रही हैं। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान ने कोई बीमारी ऐसी दुनिया में नहीं भेजी जिसका इलाज उस बीमारी के भेजने से पहले ना भेज दिया हो। देखिए, हम यूनानी वाले हैं और हम इसी बात पर यकीन रखते हैं। जी, आखिरी सवाल था, दो बच्चे हैं, 8 और 10 साल के, एक को यूरिन रात में आ जाता है, तो अखरोट और किशमिश का इन्होंने नुस्खा बताया है। सही नुस्खा बताया, आप तो हमारे साथी, हमारी मददगार हो गई हैं। बहुत सही नुस्खा बताया, कई महीने तक दें। और एक वो फैटी बच्चे के बारे में आपने कहा था, देखिए बच्चों को मैं दवा से गुरेज परहेज कराना चाहता हूँ। जी, तो वो पैदल चलें, भाग दौड़ वो कराते हैं, बुराई से रोकते हैं, बुरी चीज़ों से, ये बहुत कामयाब है। और वो एक्टिव हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उनका मोटापा उन्हें नुकसान नहीं देगा। जब वो जवान हो जाएंगे, जब देखेंगे, अभी दवाइयों से बचाएं, बस एक बात मान लें कि गर्म पानी पिलाया करें उन्हें दिन में 4-5 बार, अगर पीने पर राज़ी हो जाएं तो धन्य हैं वो माँ बाप जिनके सेहतमंद बच्चे हैं। मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ, बहुत धन्यवाद।